दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे हजारों किले हैं और उनका अलग अलग इतिहास है, बट आज मैं भरतपुर के लोहागढ़ किले में हूँ। ये ऐसा दुर्ग है जिसको कोई शासक जीत नहीं पाया था। ये एक आयरन पिलर है, पूरे राजघराने की वंशावली के नाम लिखे हैं इस आयरन पिलर पे। ये देखिए स्टैचू लगा हुआ है, ये देखिए सूरज की तरह चमकते हुए महाराज सूरजमल। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 80 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध नहीं हारा था। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति, हवादार, चारों तरफ से हवा आती थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है, ये देखो पिलर वगैरह। ये ऐतिहासिक दीवार थी, यही अब थोड़ी खंडित हो गई है, बट यही वो ऐतिहासिक दीवार है जो लगभग चौड़ाई में एक कमरे की बराबर है। ये देखो पूरे चारों तरफ लोहागढ़ किले की रक्षा के लिए अभी भी है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। जैसा कि आपको ये खेत दिख रहा है ना गाइस, इसको हम बनिया का खेत बोलते हैं। ये हमारा प्ले ग्राउंड होता था स्कूल टाइम में, 12th तक। भाई इतनी क्रिकेट खेले हैं इस ग्राउंड में अपन, बहुत ज़्यादा। देखो अब तो प्लॉटिंग होने लगी है, पहले 12th तक जम के क्रिकेट खेले हैं। मम्मी पापा से इतनी डांट खाई है क्योंकि ना तो खाने का सोचते थे ना पीने का, बस दिन रात सुबह की शिफ्ट में खेलते थे और शाम की शिफ्ट में भी खेलते थे। जम के क्रिकेट खेले हैं भाई, जम के। और भाई तुम्हारे भाई का बैट और बॉल होती थी तो दो बार बैटिंग लेता था इनसे, इन सबको पता होगा भाई। और जितने भी फ्रेंड थे ना खेलने वाले, देखो चारों तरफ की कॉलोनी से आ जाते थे और यहाँ ही मिलते थे। कुछ ही दूरी पे हमारा भी घर है तो यहाँ ही अपनी बैठक होती थी। और जम के भाई इस पेड़ के नीचे, जब धूप तेजी होती थी इस पेड़ के नीचे काफ़ी बैठे हैं। और फिर 12th के बाद बाहर निकल गए सारे। बस यार बचपन के दिन कितने मिस कर रहे हैं, इस खेत में इतना टाइम बिताया भाई, बहुत ज़्यादा। ये बनिया के, और जो भी फ्रेंड बनिया के खेत को जानते हो ना, लाइक करना ठीक है ये वीडियो को। इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, दोनों भाई रेडी इसलिए हैं, रेडी होके खाई जा रहे हैं, आपको ऐसे किले पे ले जा रहे हैं, आपको ऐसे किले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरा भी है विजिट। जो वैसे तो भारत देश में ऐसे हजारों किले हैं, उनकी अलग अलग इतिहास है, अलग विशेषता है, पर जिस किले में हम आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं ना, वो बस भारत देश का एकमात्र ऐसा किला है जो अजय किला है। वैसे राजस्थान वाले तो समझ गए होंगे, जी हाँ लोहागढ़। हम आज जा रहे हैं अपने संभाग जिले में भरतपुर में। गाइस वैसे हमारे संभाग में चार जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो भाई बस हम भरतपुर निकल रहे हैं क्योंकि लोहागढ़ किला है जो भरतपुर में है, हमारा सूरज ने संस्थापक है उनके। तो सीधा किले पे चलते हैं भाई, बस जाएंगे दोनों भाई और सीधे किले पे आपको मिलेंगे अब, ठीक है चलो। Few moments later. So guys, finally welcome back again. हम final location पे पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख रहे हो, ये इसी को लोहागढ़ किला बोलते हैं। Guys, वैसे अगर राजस्थान के हर जिले को दुर्गों का गढ़ कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हमारे हर जिले में ऐतिहासिक इमारत मिलेगी आपको। और ये आप पीछे देख रहे हो कि पूरा लोहागढ़ का किला है। तो guys, आज अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और इसका निर्माण 1733 में महाराज सूरजमल ने कराया था। तो गाइस आप पीछे देख रहे हो ना, ये खाई है, वही भी दीवार है। और जो आप मेन गेट देख रहे हो ना, ये अष्टधातु का मेन गेट, आपको इसको ले जाके एक्सप्लोर अच्छी तरह करेंगे दोनों भाई, ठीक है। ये देखो ये पूरा लोहागढ़ किला है, एक ऐतिहासिक किला है। इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे आक्रमण नहीं किया है, इतने आक्रमण हुए हैं, पर किसी के बारूद गोले में इतनी शक्ति नहीं थी कि किले को कोई जीत पाए। दोस्तों आपको ये पीछे जो मेन गेट दिख रहा है ना, यही लोहागढ़ के किले के अंदर जाने का मेन रास्ता है। और ये आप चारों तरफ ये खाई देख रहे हो ना, ये मेन खाई है, ये मेन दीवार है लोहागढ़ किले की। इस किले को मट्टी का किला, अजय दुर्ग और अभेद किला भी बोला जाता है। दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे हजारों किले हैं और उनका अलग अलग इतिहास है, बट आज मैं भरतपुर के लोहागढ़ किले में हूँ। ये ऐसा दुर्ग है जिसको कोई शासक जीत नहीं पाया था, इसलिए इसको अजय दुर्ग कहा जाता है। ये अजय, किसी शासक ने इस पर अधिकार नहीं किया है। अब हर चीज़ की बारीकी से एक्सप्लोर करते हैं, आपको मेन गेट से एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोस्तों आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, मेन द्वार है लोहागढ़ जाने का। ये भी बहुत ऐतिहासिक दरवाज़ा है, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ।
इसको लोहागढ़ जाने का ये मेन द्वार है। और ये पूरा आप दरवाजा देख रहे हो ना, ये अष्ट धातु का है। इसकी भी बहुत एक रोचक कहानी है। ये देखो, ये पूरा अष्ट धातु से बना है, जो मेन गेट है ये लोहागढ़ जाने का। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण किया था, तो रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। इसके आक्रोश में आके उसने मार काट और लूटपाट इतनी मचाई थी। तो आप ये किले, इस दरवाजे को आप देख रहे हो ना, ये चित्तौड़गढ़ किले से उखाड़ के वो सीधा दिल्ली अपने महल ले गया था, दिल्ली लाल किले पे ले गया था। तो इसके विपरीत 1765 में जवाहर सिंह अपने पिता का बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं दिल्ली पे। तो 1765 में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह जब अपने पिता का बदला लेने के लिए लाल किले पे चढ़ाई करते हैं, तो इसी दरवाजे को वो मुगलों के शाही खजाने से लेकर आप यहाँ पे भरतपुर ले आते हैं और यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी वो मैसेज भिजवाते हैं पर कोई लेने नहीं आता, तो उसको इस गेट पे मैन लगवा देते हैं। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, इसी को अष्ट धातु का दरवाज़ा बोलते हैं। ये देखो, ये अष्ट धातु का है दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया था। और इसको मुग़लों की शाही खजाने से जब महाराज जवाहर सिंह लाए थे। ये देखो, इसी गेट को महाराज जवाहर सिंह दिल्ली से मुग़लों की शाही खजाने से लेके आए थे और यहाँ स्थापित कर दिया है। ये देखो, लोहागढ़ जाने का मेन रास्ता यही है, यहाँ मेन गेट पे ही लगाए। दोस्तों, मेन गेट से आगे निकलते हैं और आपको अच्छे से किला एक्सप्लोर कराएंगे एक एक चीज बारीकी से, ठीक है। वीडियो को प्यार देना, हमारे राजस्थान में इतना इतिहास है। देखो, ये इतिहास हमें किताबों में चाहिए, कितना अच्छा है। गर्व, आपको गर्व की अनुभूति होगी, गर्व प्राउड मूवमेंट फील करोगे आप हमारा सूरजमल का जब इतिहास पढ़ोगे ना। चलते हैं, पूरा किला अच्छे से देखेंगे हम भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है, रविंद्र भाई का फर्स्ट टाइम आए हैं। किताबों में तो बहुत पहले पढ़ा था कि ऐसा किला हमारे राजस्थान में एकमात्र भारत देश का है जो अजय किला है, कोई शासक इसे अपने अधिकार में नहीं कर पाया है। ये मेन रास्ता आ गया है गढ़ में जाने का। ऐसा नहीं है कि इस किले पे आक्रमण नहीं किया है। देखो, अंग्रेजों ने भी आक्रमण किए थे, मराठे भी आए थे और मुग़ल भी आए थे। अंग्रेजों ने तो 13 बार आक्रमण किया था और पूरे किले को लगभग 5 बार घेराबंदी करी थी, पर एक भी बार विजय नहीं प्राप्त करे, बस नीचा मुँह करके सीधा वापस हो गए थे। ऐसा था हमारा सूरजमल। दोस्तों, जैसा कि आपको ये पीछे दिख रहा है, यही है जवाहर सिंह ब्रिज। यहाँ महाराज जवाहर सिंह युद्धों की रणनीति वगैरह अपनी सेना और सेनापतियों के साथ करते थे। जब दिल्ली पे उन्होंने आक्रमण की तो यहाँ ही मीटिंग हुई थी उनकी, और दिल्ली से उखाड़ के जो चित्तौड़गढ़ का दरवाज़ा था वो अपने महल में लाए और मेन गेट पे लगा दिया था। यहाँ ही मीटिंग हॉल है उनकी, वो यहाँ पे सेनापतियों के साथ मीटिंग करते थे। तो ये पीछे आप देख रहे हो, ये जवाहर सिंह ब्रिज है, महाराज सूरजमल के पुत्र का ब्रिज। यहाँ पे ही वो मीटिंग अपनी युद्धों की रणनीति वगैरह करते थे। और दिल्ली पर जब आक्रमण किया था जवाहर सिंह ने, तो यहाँ ही उनकी मीटिंग हुई थी। देखो, एक ब्रिज इधर भी है और एक वहाँ पे है और एक इधर है। देखो, यहाँ इसमें पेंटिंग भी बनी रखी है, अभी भी जिंदा है वो, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ये देखो, काफ़ी सुंदर आकृति है, पेंटिंग बनी रखी पूरे ब्रिज में। यहाँ ही वो अपनी मीटिंग करते थे। इसमें देखो, एक इस साइड में है और एक उस साइड में है, देखो, और एक इस साइड में। ये पूरा, हाँ, ये जवाहर सिंह ब्रिज है। ये देखिए, यहाँ से पूरे भरतपुर सिटी का, जो हमारी भरतपुर सिटी है, यहाँ से बहुत सॉलिड उसका व्यू आता है। ये देख रहे हो आप, ये देखिए, ये हमारी भरतपुर सिटी। ये देखिए, ये जैसे कि आपको ये ब्रिज दिख रहे हैं, यहाँ ही वो महाराज जवाहर सिंह अपनी सेनापतियों के साथ, अपनी सैनिक के साथ रणनीति युद्धों की बनाते थे और अपनी प्रजा के बारे में मीटिंग करते थे। ये देखिए, ये तीनों ब्रिज हैं। ये देखिए, काफ़ी सुंदर बना रखे हैं। ये एक तरह से मीटिंग हो उनके होते थे गाइस। और ये एक पिलर है, आयरन पिलर, ये देखिए।
ये एक आयरन पिलर है, पूरे राज घराने की बंसावली के नाम लिखे हैं इस आयरन पिलर पे। ये देखिए काफ़ी सुंदर है और अच्छी स्थिति में है। पूरे राज घराने के जितने भी नाम है ना लोहागढ़ की लेके, वो सारे ही इस पे लिखे हैं। ये देखिए, और यहाँ से पूरे किले का लुक भी आता है और पूरे भरतपुर ज़िले का भी। ये देखिए पीछे पूरा भरतपुर सिटी है, ये पूरा किला जो ना मेन सिटी के अंदर है। ये देखिए हमारा भारत का एकमात्र किला अजय दुर्ग भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जवाहर सिंह बुर्ज, ये बता देना पूरी। ये देखिए चारों तरफ ये देख रहे हो खाई भी हैं, और ये पूरे गढ़ का, ये गढ़ का और दुर्ग का, ये देखो पूरा फोर्ट का लुक। ये हमारा लोहागढ़ पूरा। दोस्तों पीछे भी ये ब्रिज बना रखे हैं मीटिंग के। ये देखिए काफ़ी सुंदर, ये देखो यहाँ मीटिंग होती थी जवाहर सिंह, महाराज जवाहर सिंह। ये देखिए और पूरे फोर्ट का लुक यहाँ से ही आएगा। देखिए ये देखिए लोहागढ़ किला पूरा, और ये आपको खाई दिख रही ना, इसको भी आपको नीचे से दिखाएंगे। ये पूरे फोर्ट का लुक एंजॉय करो, ये पूरा लोहागढ़ किला है। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ ही जवाहर सिंह महाराज बैठ के अपनी सेनापतियों के साथ अपनी प्रजा के बारे में या युद्धों के बारे में मीटिंग करते थे। ये देखो काफ़ी अच्छी स्थिति में ये जवाहर सिंह ब्रिज, यहाँ महाराज जवाहर सिंह मीटिंग करते थे अपनी अपनी सेनापतियों के साथ, अपनी सेना की यहाँ पे पूरी सेना बैठती थी। युद्ध वगैरह की सारी रणनीति इधर ही होती थी, और जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो यहाँ ही मीटिंग हुई थी, यहाँ ही रणनीति बनाई गई थी। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर किशोरी महल आ चुके हैं। ये आप पीछे देख रहे हो ना, ये किशोरी महल है। महाराज सूरजमल की सबसे बड़ी रानी यहाँ पर रहा करती थी। महाराज सूरजमल ने उनको रहने के लिए यहाँ महल बनाए थे। ये चारों तरफ देख रहे हो ना ये पूरा, और ये ऊपर लिखा है महाराज सूरजमल स्मारक। आप ये साइड में देख रहे हो ना, ये महाराज सूरजमल का स्टैचू है, इस बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, इसको भी आपको दिखाएंगे। ये देखो महाराज सूरजमल की वीर गाथाओं के इस क्या बोलते रहेंगे इसको शिलालेख, देखो एक एक से वीर गाथाओं के शिलालेख लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। ये देखिए, ये देखो महाराज सूरजमल के बारे में वीर गाथाओं, जिन्हों उन्होंने अपने राज्य में क्या क्या किया था, कहाँ युद्ध लड़े थे, सारे इन शिलालेखों में पूरा वर्ण है, पूरी डिटेल है। ये देखिए ये देखिए बहुत सारे शिलालेख हैं, हिंदू स्वराज हेतु समझौता, जाट मराठा समझौता, समझौता वार्ता विफल और कूटनीति भरा पत्र, दुरानी का पत्र, शाह आलम का पत्र और अहमद शाह अब्दाली का हमला, धनी व सूरजमल, दासना संधि, पलवल जीता, और ये स्मारक पे जाने का मेन रास्ता अभी दिखाएंगे इसको, पहले इन शिलालेखों को पूरा दिखा दें। अंतिम यात्रा, ये देखिए असाधारण व्यक्तित्व, कला व साहित्य प्रेमी आचार्य सोमनाथ जो उनके गुरु माने गए, राजसभा, शासन व्यवस्था, लोहागढ़ निर्माण की पूरी डिटेल इधर लिखी है। देखो 1732 में 33 में आरंभ हुआ था, जो लगभग 7 से 8 साल चला था। ये देखो 250 फीट चौड़ी और 20 फुट गहरी है। ये देखिए पूरी डिटेल, अजय किला, महाराज सूरजमल का लोहागढ़ किला, जहाँ मुग़ल भी आए थे, मराठा भी आए और अंग्रेज़ आए, अपनी मूँगी खा के गए थे पर कोई जीत नहीं पाया था। ये देखिए लॉर्ड लेन, जिसने 13 बार पूरे किले को घेरा था पर एक भी बार किले पे जीत एक भी बार जीत नहीं सका था। ये देखिए किशोरी महल, ये पूरा, ये देखिए रानी, दो रानियाँ अलग थीं, मोहिनी सुंदर और मंदिर बनवाए थे। ये देखिए अलीगढ़ का किला भी महाराज सूरजमल ने बनवाया था, और ये श्री लक्ष्मण जी की सहा है। ये देखिए
लोकल सिटी भरतपुर के हैं। ये भी घूमने आए हैं, काफ़ी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। इन्होंने इनसे भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है, जो जानकारी नहीं थी इन भाइयों ने मदद करी है। अभी चलते हैं स्मारक की ओर, आ जाओ। देखिए स्मारक का मेन रास्ता, मेन गेट है ये, जहाँ पे महाराज सूरजमल की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, जो अजय योद्धा महाराज सूरजमल हमारे राजस्थान की आन बान शान, जिससे हमें बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि ऐसे भी हमारे राजस्थान में योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने ऐसे किलों का निर्माण किया है जो अजय है। भारतवर्ष में, भारत देश में एकमात्र एक ऐसा किला है जो अजय किला है, जिसको कोई शासक जीत नहीं पाया है। ये देखिए महाराज सूरजमल की बहुत विशाल प्रतिमा, यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। ये देखिए सूरज की तरह चमकते हुए महाराज सूरजमल, इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 80 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध नहीं हारा था। ये देखिए दुश्मन सेना को छक्के छुड़ाने वाला वीर योद्धा हमारे राजस्थान का महाराज सूरजमल जाट। ये देखिए सूरज की तरह चमकता हुआ उनका स्टैचू, वाह। दोस्तों यही है महाराज सूरजमल, अजय योद्धा, अजय गढ़ के मालिक। इन्होंने 1733 में उनका इस महल का निर्माण कराया था ध्रुव का। ये देखिए ऐसा नहीं है कि इस पे इस किले पे आक्रमण नहीं किया, वो लगभग 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किए थे और 13 बार में एक बार भी नहीं जीत पाए थे। उनकी बम बारूद में इतनी ताकत नहीं कि इस किले की दीवारों को भेद सके। ये देखो ये हमारे अजय योद्धा महाराज सूरजमल जाट, ये देखिए। आप इनका इतिहास पढ़ोगे ना, आप इनके वीडियो भी देखोगे ना, तो प्राउड मोमेंट फील होगा, गर्व की अनुभूति होगी। ये देखिए ये हमारे राजस्थान की शान महाराज सूरजमल जाट, जय महाराज सूरजमल। इनके इतिहास को देख के बहुत अच्छा लगा। स्मारक में भी काफ़ी शिला लेख हैं जो महाराज सूरजमल की गाथाओं की लिए हैं। ये देखो धाक पूरा, ये शिलालेख, शरणदाता, मुकाबला, ये इनके समझौते, वीर गाथाएं हैं, युद्ध। ये देखो ये वीर बक्सी को घेरा, संधि प्रस्ताव। ये देखो शिव जी का मंदिर है छोटा सा स्मारक में ही, ये महाराज सूरजमल का स्मारक। और ये देखो फरुखता विजय, संयुक्त रक्षा संघ। ये देखिए ब्रजेंद्र बहादुर, कुमेर का घेरा, मृत्यु, लोहा संकल्प, सिंधिया सिंधवा समझौता। और ये देखिए प्रभावशाली गोकुला, अधीनता अश्वकर्ता, सूझबूझ, सिंसनी पर अधिकार। ये देखो चूड़ावण द्वारा आत्महत्या। ये सारे शिलालेखों में पूरी उनका कार्यकाल में जो जो हुआ है था वो सारा वर्णन है। ये देखो महात्मा का आशीर्वाद, डीक के महल, निर्माण सागरियाँ आई, निर्माण ही निर्माण, महाराज राजकुमार शाह का स्वागत, ब्रज राज संधियाँ। और ये देखिए लास्ट दस्तावेज, ये देखो पूरा स्मारक महाराज सूरजमल। गाइस अब इनके म्यूजियम पे चलते हैं, ठीक है। तो बाले वाले हनुमान जी के मंदिर पे आ चुके हैं, जहाँ पे महाराज सूरजमल ने विशाल तोप का निर्माण किया था, यहाँ रखी गई थी। यहाँ पे चारों तरफ गढ़ के, ये चारों तरफ ऐसी तोप विशाल हैं जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लगाई गई थी। देखिए ये बहुत विशाल तोप है, ये देखो जो सैनिक इस तोप की रक्षा करता था या सुरक्षा करता था उसके लिए यहाँ रूम बनाया था। ये देखिए अभी ये मंदिर के परिसर में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए बहुत विशाल तोप थी, ये देखिए बहुत विशाल तोप है। इसका इतना खतरनाक गोला निकलता था कि दुश्मन के सैनिकों के चीतड़े उड़ा देता, यहाँ से गोला डालता था। ये देखिए सैनिक, और यहाँ जाके एक बात ही होती थी, यहाँ पे वो आग लगाता था। तो गाइस जैसे ही जो सैनिक आग लगाता था ना,
तो वो इतना धमाके की आवाज़ होती थी कि कान के पर्दे ना फट जाएं। तो वो रुई कान में लगा के, यहाँ पे देखो तालाब होता था, उस तालाब में पानी होता था, जैसे ही आग लगा के बाती में वो कानों में रुई लगा के कूद जाता था यहाँ पे, जिससे उसके कान के पर्दे ना फटे। ये देखिए यहाँ पे तालाब होता था, बहुत विशाल तोप है ये देखिए, काफ़ी भाई देखने आए हैं तोप वाले वाले हनुमान जी के मंदिर के पास है। यहाँ बहुत विशाल हनुमान जी की भी मूर्ति है, ये देखिए ऐसी तोप है महल के चारों तरफ है, जो महाराज सूरजमल ने निर्माण कराया था। ये देखिए ये पूरा हमारा भरतपुर सिटी, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति, बहुत ही अच्छा मूर्ति है, बजरंग जय बजरंग बली। यहाँ पे विशाल तोप है, तोप वाले हनुमान जी की मूर्ति कहा जाता है इसको। अब निकलते हैं भाई म्यूजियम की तरफ, ठीक है, म्यूजियम पे अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इस महल में ही किशोरी, जो रानी किशोरी रहती थी, जो महाराज सूरजमल की सबसे बड़ी रानी थी, ये महारानी, ये किशोरी महल, ये देखो पीछे से कितना भव्य बना रखा है, रहने की व्यवस्था करी थी सूरजमल ने, उन्होंने यहाँ ही सबसे बड़ी जो पटदानी थी उनकी, वो ही रहती थी। A few moments later, गाइस फाइनली म्यूजियम में आ गए हैं। यहाँ पे महाराज सूरजमल की ये पूरा म्यूजियम बना रखा है, यहाँ पे महल के हथियार और जो भी सामग्री थी वो रखी गई है। तो म्यूजियम के अंदर चलते हैं टिकट लेके और आपको दिखाते हैं। ये देखो बहुत ही भव्य बना रखा है पूरा म्यूजियम, ये देखिए आप व्यू इंजॉय कीजिए, वाह। ये पूरा म्यूजियम है, यहाँ पे हथियार, महल की दस्तावेज वगैरह, सारी चीज़ें, सामग्री वगैरह सब रखी है ये पूरा म्यूजियम। और यहाँ ही महाराज सूरजमल अपनी बैठक करते थे सेनापतियों की, और मुख्य जो सेना के लोग बाग थे उनके साथ मीटिंग करते थे। ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है, ये देखो एक एक तोप यहाँ भी है छोटी सी, ये देखिए काफ़ी सुंदर तोप है, और यहाँ पे टिकट भी लगती है। ये देखो जवाब ब्रिज और तोप हनुमान जी, वो उनकी तोप ने उनकी टिकट पकड़ा है, यहाँ पे म्यूजियम के लिए टिकट लेनी पड़ती है। ये देखो राजेंद्र भाई ले रहे हैं टिकट। ये मूर्ति गैलरी में आ चुके हैं हम म्यूजियम के अंदर, ये देखो खंडित मूर्तियाँ, बट पता नहीं कैसी। अच्छा ये और दबा दी थी, ओके ये पुलिस वाले एंकर बता रहे हैं कि ये मुगल कालों की मूर्तियां हैं, जो मुगल जो जब आक्रमण किया इनको मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। तो ये म्यूजियम, हाँ ओके राइट जब खुदाई होती है ना तो बाहर से इस म्यूजियम के अंदर लाया जाता है ये सब मूर्तियों को। ये देखो ये मूर्ति गैलरी है पूरी, ये देखो भगवान बोध, यह महावीर स्वामी, पता नहीं, हाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ जो एक ही पत्थर में, देखो कलाकार की कलाकारी देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखो एक ही पत्थर में कितनी शानदार कलाकार की आकृतियाँ, धन वाह कितने अच्छे कलाकार की आकृतियाँ, देखो एक ही पत्थर में कितनी अच्छी कलाकारी दिखाई है कलाकार ने, वाह महान मूर्तिकार था हुआ। देखिए खंडित की गई हैं पर बहुत ही शानदार अद्भुत, वाह ये देखिए कुछ आगे भी हैं, ये देखिए भगवान बुद्ध लग रहे हैं, ये देखिए अभी काम भी चल रहा है म्यूजियम पे, ये देखिए बच बच के आना पड़ता, ये देखिए ये लास्ट इधर रानी की स्नान घर है, उसको भी देखने चलते हैं। ये देखिए और ये विशाल घंटे भी लगे हैं, पता नहीं क्या है या मंदिर वगैरह क्या है, देखो कितने सारे घंटे नुमा ये डिजाइन लगी रखी है, ये देखिए वाह कितना अच्छा परिसर है, ये देखिए इस पर काम चल रहा है, मतलब पेंटिंग वगैरह, ये देखो इधर इस वाली दीवार पर पेंटिंग वगैरह हो चुकी है,
इस पे काम चल रहा है देखो। ये महल का गुप्त कक्ष, ये देखो सीढ़ियां गई हैं काफी अंदर का, और पता नहीं अंदर गुफा भी हो सकती है, अंदर जाने निकलने का रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि भाई पहले जो महल के कारीगर होते थे वो अद्भुत होते थे। ये देखो इधर जाने का रास्ता है, यहाँ पे रानी की स्नान घर है, ये देखो फुब्बारे के साथ ब्यूटीफुल, यहाँ पे रानी स्नान करती थी, नहाती थी अपनी सहेलियों के साथ या फिर अपनी दासियों के साथ। ये देखो वाओ, स्विमिंग पूल भी फैल है, ये देखो कितनी अच्छी डिजाइन में बना रखा है। ये देखो मैं भी अपनी रानी के लिए ऐसा स्नान घर बनाऊंगा कितना सुंदर है वाओ। यहाँ पे देखो नल से एक फुब्बारे टाइप पानी आता था अंदर से, और इस पूरे में पानी होता था और आराम से रानी नहाती थी। ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन रखी है, ब्यूटीफुल। और ये देखो ऊपर जा, ऊपर से डायरेक्ट रोशनी भी आती थी। ये देखो, देखो कितनी अंदर व्यवस्था है। ये देखिए, ये देखो ये पूरा नहाने का था, और चेंजिंग रूम वगैरह अंदर एक कितना ठंडा है यार वाह। ये देखो पूरी चारों तरफ संगमरमर की डिजाइन है, ये देखो ब्यूटीफुल। ये देखो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, फिर भी देखो कलाकार थी वही ब्यूटीफुल यार, कलाकार कितने हैवी होते थे पहले। ये देखो ऊपर छत का डिजाइन, ये देखो संगमरमर का फर्श कितनी घनी आकृति में बना रखा है, ब्यूटीफुल। और देखो कितनी ठंडक फील हो रही है राजेंद्र भैया, ब्यूटीफुल। देखो अंदर से एक एक के बाद एक अच्छे महल निकल रहे हैं, पर काम चल रहा है इसलिए रोक गए इन पे। ये देखिए, ये देखिए वाओ। चलो यार एक के बाद एक भाई गुप्त द्वार मिल रहे हैं इसलिए निकलते हैं बाहर। गाइस अब म्यूजियम की टेरेस पे जा रहे हैं, जहाँ से बहुत अच्छा लुक आता है म्यूजियम का, और पूरे किले का लुक आता है, पूरे गढ़ का, लोहागढ़ किले का। ये देखो अद्भुत काम भी चल रहा है पेंटिंग का, ये देखो कितना सुंदर है। दोनों भाई जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये राज घराने के कपड़े वगैरह, ये ड्रेस उनकी पोशाक, ये हथियार, ये देखिए ढाल वगैरह तलवार वगैरह, ये पूरा म्यूजियम। म्यूजियम भी बहुत भव्य है, ये देखिए यहाँ पे राजा की ये शाही दरबार है, ये देखिए उनकी तलवार वगैरह और ढाल वगैरह और उनकी बैठने की जगह। देखो कालीन बिछा है, इस दरवाजे में बैठते थे मैन, और यहाँ पे उनके मुख्य अतिथि और मुख्य सवाए सेनापति वगैरह। ये देखिए उनके हथियार, ये राजा की पोशाक सूरजमल जी की, तलवार और ढाल वगैरह। तो गाइस ऊपर चलते हैं, वहाँ से व्यूज बताते हैं आपको। A few moments later, ये देखो दोस्तों ऊपर जाने की रास्ता कितना अच्छा है, काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। चलो ये देखो छोटे बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, भाई चलो ऊपर। ये सीधा टेरेस पे जाने का रास्ता है, ये देखिए म्यूजियम की टेरेस पे आ गए। ये देखो यहाँ से व्यू देखना आप, ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है पूरा म्यूजियम। अभी काम चल रहा है देख रेख का, देखो कारीगर भी लगे, पेंटिंग वगैरह भी हो रही है। ये देखो कारीगर भी भाई लगे। दोस्तों म्यूजियम के हम टॉप टेरेस पे हैं, यहाँ से पूरे लोहागढ़ का बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखो ये पूरा किला, ये देखिए, और आप एक मट्टी का टापू देख रहे हैं ना ये वाला, देखो यहाँ पे ही मारा सूरजमल तोप वगैरह रख देते थे दुश्मन की, पर छक्के उड़ाने के लिए, चीतरे उड़ाने के लिए। देखो ये माटी से बनाए रखे हैं, यहाँ से पूरा, ये देखो किशोरी बाई का, किशोरी रानी किशोरी का महल, यहाँ से पूरा दुर्ग का खतरनाक लुक आ रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, और ये पूरा भरतपुर शहर, ये देखो, और ये ब्रिज बना रखा है, यहाँ पे राजा अपनी सेनापति और सेनाओं के साथ मुख्य अतिथि होते थे ना,
जो सेना के अधिकारी उनके साथ बैठक करता था। काफी सुंदर दृश्य बना कर आया, देखो हवादार, चारों तरफ से हवा आती थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है, ये देखो पिलर वगैरह ब्यूटीफुल। ये म्यूजिक की टेरेस पे हम सारे, ये देखो पूरे लोहागढ़ किले का व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। ये देखो एक बार आप विजिट करना, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो अजय किला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको कोई शासक अपने अधिकार में अधीन नहीं कर सका, ना सूरजमल जी को अधीनता दिला सका। काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया, सेल्फी वगैरह खूब ली है दोनों भाइयों ने। ये देखिए टेरिस पे कितना भव्य लोहागढ़ किला है जिसको कोई शासक जीत नहीं सका। ये देखिए मुगल आए, मराठा आए, अंग्रेज आए, सबने अपने मुंह की खाई, कोई बोला इस किले को दीवारों को भेद ना कर सका। ये देखिए ब्यूटीफुल लोहागढ़, शाम का मौसम भी हो गया है और देखो सूरज देवता भी शांत हो गए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, मज़ा भी आ रहा है देखने में। अब थोड़े और फोटो लेते हैं फिर निकलते हैं खाई की तरफ। देखो दोस्तों ये गोले बारूद लोहे के गोले हैं, ये देखो हथियार, ये देखो बंदूक कैसी है, ये देखो बंदूकें इधर भी लगी हैं, ये देखो इनके राज्य में गोला बारूद और बंदूक का चलन हो गया था। ये देखो सैनिक का पूरा पोशाक ब्यूटीफुल, ये देखो दोनों तरफ पोशाक है, ये बंदूकें गोला, ये देखो कितनी बड़ी, बाप रे कितनी खतरनाक बंदूक, कितनी लंबी होती थी, कैसे चलाते थे ये लोग यार, ये देखो कितनी मोटी है। आगे बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे राजा सोता था तो वहाँ पे ये पर्दा लगता था, बाहर से सैनिक, इससे हवा होती थी, बाहर से सैनिक खींचते थे दोनों तरफ से, और यहाँ पे बेड वगैरह होता था महाराज का, और आराम से सोते था। ये देखिए तस्वीर वगैरह काफ़ी लगी है ना, और ये देखो डिजाइन कितनी अच्छी है, ये देखो दोस्तों ये महाराज जी की मूर्ति, ये पूरा उनके सोफे वगैरह, ये देखो वाह ब्यूटीफुल परिसर, डिजाइन वगैरह काफ़ी तस्वीर लगी है, देखो उस ज़माने की ये सिटिंग टेबल वगैरह, झूमर कितनी सुंदर है ब्यूटीफुल। बाहर की तरफ निकलते ये देखो पेंटिंग वगैरह, ये झूमर वगैरह, ये देखो उस टाइम के सोफे वगैरह, झूमर कितना सुंदर है देखो भाई, वाह राजघराने की तस्वीर, ये देखो राजघराने की तस्वीर, उनके सेनापति मुख्य और राजा, ये देखिए। ये देखो दोस्तों ये लाइन टेंट वगैरह होते थे उजाले की व्यवस्था के लिए, ब्यूटीफुल। ये देखो प्राचीन लाइन टेंट वगैरह, ये देखो बर्तन वगैरह, ब्यूटीफुल बर्तन वगैरह, ये देखो तांबे की बर्तन वगैरह, ये थाली वगैरह, ये देखो पीने पानी पीने के लिए व्यवस्था की लोटी, वाह। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी खिलौने टाइप है ना ये, वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए ये देखो पक्षियों की डिजाइन के लिए, ये पिंजरे वगैरह की, और इसके अंदर एक चिड़िया भी है देखो, वाह ब्यूटीफुल। पक्षियों की डिजाइन, जानवरों की डिजाइन, ये फलों की डिजाइन, ये देखिए ये पंखा, ये देखिए दोस्तों। अब म्यूजियम से निकल के सीधा आपको हाईवे मिलते हैं, हाईवे जाके आपको बताते हैं, ये पूरा म्यूजियम है, भव्य म्यूजियम है, सीधा हाईवे मिलेंगे आपको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दोस्तों फाइनली उस ऐतिहासिक दीवार पे आ चुके हैं हम दोनों भाई, जो पूरे दुर्ग की रक्षा के लिए बनाई गई थी माटी और पत्थरों से, ये देखो वो ही ऐतिहासिक दीवार है, ये देखो ये लगभग 300 फीट लंबी पूरे चारों तरफ महल की है जो दुर्ग की रक्षा करती है, और ये देखो, और ये लगभग 60 फीट गहरी नीची झील बनाई गई है जिसमें पानी भर दिया था
चारों तरफ जो दुर्ग की रक्षा करती थी। और इस पानी में महाराज सूरजमल ने मगरमच्छ छोड़ दिए थे ताकि दुश्मन की सेना तैर के इस दीवार पे ना चढ़ जाए। और एक और दीवार बनाई गई थी जो सिर्फ और सिर्फ माटी और गारे से बनाई गई थी। तो देखो यही वो ऐतिहासिक दीवार है लोहागढ़ की जो रक्षा करती थी हर युद्ध को विफल करने वाली। यही ऐतिहासिक दीवार है, देखो ये देखिए बस यही ऐतिहासिक दीवार है जो महाराज सूरजमल ने अपने लोहागढ़ किले की रक्षा के लिए बनाई थी। इस पूरे किले को ही लोहागढ़ किला कहते हैं, जो अजय किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो अजय है, जिसको कोई शासक जीत नहीं पाया। इसके पीछे बहुत ही माइंडेड एक उनकी विचार है, उनकी बनाई हुई पूरे महल की डिजाइन है। ये देखो ये ऐतिहासिक दीवार जो सिर्फ और सिर्फ माटी और पत्थरों से बनाई गई है। ये देखिए ये लगभग पूरे दुर्ग के चारों तरफ फैली हुई है। ये देखिए जो पूरे दुर्ग की रक्षा करती है। ये देखिए काफ़ी रिस्क लेके आपके लिए आए हैं। और ये देखो ये झील है, लगभग 60 फीट नीचे गहरी हुई है और ये पूरी चारों तरफ दुर्ग की रक्षा करने के लिए है। देखिए इसमें लगभग 60 बहुत ही गहरा पानी है, आगे नहीं जाऊँगा, रिस्क है थोड़ा। और इसमें हमारा सूरजमल दुश्मन सेना तैर के इस महल के अंदर ना आ जाए तो इस जो आप झील देख रहे हो ना, ये इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए थे ताकि कोई आ ना सके। और ये देखिए दोस्तों पूरे किले की लगभग 1805 में लॉर्ड लेक ने 6 हफ्तों के लिए पूरे किले की घेराबंदी की थी। 6 हफ्तों के लिए अपनी भयंकर सेना, बहुत बड़ी सेना और गोला बारूद लेके आया था और उसने इतने हमले किए थे गोला बारूद से। आप ये ऐतिहासिक दीवार देख रहे हो ना, ये देखो ये सिर्फ माटी और पत्थरों से बनी हुई थी, तो जैसे भी हमला होता था तो उसका जो गोला बारूद का प्रभाव था ना इसमें जो कीचड़, ये देखो जो कीचड़ और पानी से बना ये झील है ना, इसके अंदर धस जाती थी। ये जो गोला बारूद का भयंकर जो प्रभाव होता था इस मिट्टी में धस के कम हो जाता था, आँच ठंडी पड़ जाती थी और पूरे जो लोहागढ़ किले का कुछ भी बाल बाकी नहीं होता था, क्योंकि कोई ऐसी ताकत नहीं थी कोई चीज़ की गोले में जो इस दीवार को भेद करके घर की। लॉर्ड लेक ने भयंकर गोला बारूद की थी पर देखो इस दीवार में धस के ठंडे हो जाते थे, जितनी गोला बारूद का प्रभाव था वो कीचड़ में फंस के और इस दीवार में फंस के बिल्कुल प्रभाव कम हो जाता था और जो किले तक की किले की जो दीवार थी उनको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाता था। ये ऐतिहासिक दीवार थी, यही अब थोड़ी खंडित हो गई है बट यही वो ऐतिहासिक दीवार है जो लगभग चौड़ाई में एक कमरे की बराबर है। ये देखो पूरे चारों तरफ लोहागढ़ किले की रक्षा के लिए अभी भी है। ये जो जैसा कि आप ये पानी देख रहे हो ना, इसको झील बोलते हैं, ये लगभग 60 फीट गहरी है। इसमें सेनाओं ने क्या किया था, मगरमच्छ छोड़ दिए थे कि दुश्मन की सेना तैर के इस दीवार पे ना आ जाए, जो अंदर ना जा सके और महल को क्षति ना पहुंचाए। तो इतनी खतरनाक व्यवस्था थी देखिए, इसलिए जिसको अजय दुर्ग कहा गया है कि कोई इसलिए इस कारण से नहीं जीत पाया क्योंकि माइंड से खेले थे महाराज सूरजमल। उन्होंने इतने अच्छे हमारे राजस्थान को खिला दिया है कि कोई विजय नहीं प्राप्त किया, हमें गर्व की अनुभूति है, प्राउड मोमेंट फील होता है कि कोई हमारे राजस्थान भरतपुर के जिले में ऐसा कोई किला है जो अजय किला है भारतवर्ष का। ये हमारे राजस्थान का, ये पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा किला है जो कोई शासक जीत नहीं पाया। ऐसा नहीं, यहाँ हजारों सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है, इसी महल पे अपनी प्राणों से रक्षा की है देकर, क्योंकि लॉर्ड लेक ने देखो मराठा आए, मुगल आए और अंग्रेज आए पर कोई भी इस किले पे विजय प्राप्त नहीं कर सका था। ये हमारा सूरजमल की जो व्यवस्था थी ना, यही थी वो दीवार। देखो यहाँ ही गोला बारूद कोई सैनिक पार नहीं कर पाता क्योंकि मगरमच्छ अगर इस पानी से तैर के आता ना, मगरमच्छ खा जाते थे और कोई गोला बारूद आते थे ना इसमें धस के ठंडे पड़ जाते थे और जो बिल्कुल क्षति। देखो ये दीवार देख रहे हो ना, ये कच्ची माटी की ये भी बनाई थी, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं था पहले, इसको कोई भेद नहीं कर पाया था। ये देखो कितनी प्यारी झील बना रखी है चारों तरफ, बहुत लंबी चौड़ी और गहरी भी है, बहुत गहरी भी है। सो दोस्तों ब्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं,
देखो वैसे मुझे ऐतिहासिक जगह बचपन से घूमने का शौक है और आपके लिए खास तरह से ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। देखो कितना हमें राजस्थान का इतिहास कितना गर्व मूवमेंट फील कराता है यार, क्योंकि ऐसे भी किले हैं जो कोई भी शासक जीत नहीं पाया। हमें प्राउड मूवमेंट फील कराते हैं कि ऐसे राजा हैं। और कुछ टीआरपी के लिए सीरियल बनाने के लिए हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ी करते हैं यार, उनको मैं बोलता हूँ कि नीच मानसिकता के लोग होते हैं यार। वो कितना भी टीआरपी बढ़ा लें अपनी, पर इतिहास कभी छुपता नहीं है। जय महाराज सूरजमल, जय राजस्थान और जय हिंद। देखो एक बार और इन्जॉय करो इस झील, ये गहरी खाई को और इस दीवाल को, और ब्लॉक को इधर ही एंड करते हैं दोनों भाई। काफ़ी परेशान हो, घर निकलते हैं सीधे। और लोहागढ़ का आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यार देना और सूरजमल महाराज के लिए कमेंट भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, लोहागढ़ किले पे ही अब घर निकलते हैं सीधे। तो गाइस ब्लॉग को प्यार देना, ठीक है। तो जय हिंद, जय राजस्थान, जय महाराज सूरजमल।